नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में और यह व्यवसाय दिनों दिन 15% के हिसाब से बढ़ रहा है और वर्तमान समय में इस व्यवसाय की सबसे ज्यादा डिमांड भी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, शुरुआती समय में आपको कितनी मुर्गियों की जरूरत पड़ने वाली है और आपको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, अंडे का या मांस वाला। तो ये चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको कौन सा बैंक सबसे कम ब्याज दर पर इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करा देता है, तो ये जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाय जानते ही कैसे आप मुर्गी पालन लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको इस लोन को लेना है और कैसे इस बिज़नेस को शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है loanpy.com। आपको टाइप करना होगा loanpy.com। इसको टाइप करने के बाद आपको गूगल क्रोम पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो गाइज यहाँ पर अन्य बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स के बारे में रिव्यू बताया गया है हिंदी भाषा में। तो चलिए गाइस जानते हैं मुर्गी पालन लोन कैसे लेना है। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बिजनेस लोन पर क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है मुर्गी पालन के लिए लोन कैसे ले, 2022 में किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितना लोन मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है और सभी चीजें यहां पर बताया गया है। तो गाइस आमतौर पर अंडे और मांस की जरूरत को पूरा करने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है और इसी प्रोसेस को गाइस मुर्गी पालन व्यवसाय कहा जाता है। इसी व्यवसाय को पोल्ट्री फार्म के नाम से भी जाना जाता है और आजकल ये व्यवसाय बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। और गाइस यहाँ पर हमने आपको बताया है कि कैसे आपको इस लोन के लिए आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप मुर्गी पालन के लिए लोन बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं, अन्यथा आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आपको मुर्गी पालन के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, यदि आप छोटे पैमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं लोन के लिए और बड़े पैमाने के लिए आपको कितनी लोन की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताया है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसके बारे में आपको ध्यान रख के बातों को ज़रूर पढ़ लेना है। डॉक्यूमेंट्स भी बताया कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको कितना लोन मिल सकता है और लोन के लिए आप कहां कहां यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें भी मैंने आपको इस पोस्ट में बताया है। मुर्गी पालन की 2021 की योजनाएं कौन कौन सी है जिसके अंतर्गत आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हमने आपको बताया है और कौन से बैंक आपको लोन प्रदान करते हैं, ये चीज़ें भी आपको बताए हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आप हमारी वेबसाइट loanpy.com पर इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी अन्य पोस्ट को जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले, और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स डाउट भी बताए हैं, क्या पोल्ट्री फार्म इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो गाइस ये, और आपको फार्म कितने ऋण दे सकता है, कितनी योजनाएं प्रारंभ की गई है, किस तरह के लोन आपको, कितने तरह के लोन मिल सकते हैं, इसके अलावा मुर्गी पालन के लिए अधिकतम लोन कितना मिल सकता है और मुर्गी फार्म से आप कितने रुपए तक कमा सकते हैं, ये चीज़ें भी हमने आपको बताई है। मार्केट में चूजों की कीमत कितनी है और आपको एक मुर्गी के लिए कितनी सरकार ने जमीन निर्धारित की गई है, ब्रायल फार्म कौन सा होता है और लेयर फार्म कौन सा होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप गाइज आज वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी जिसमें मैंने आपको मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में बताया है कि कैसे आप इससे लोन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको लोन के लिए आवेदन करना है, ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।